हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा दिल निहायत खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि कोयटा शहर में खुदा ने अपने जलाल के लिए मुझे मौका दिया कि मैं पास्टर असमत साहब के थ्रू आप सब से अपने खुदा यीशु मसीह का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करने वाला हूँ। सो आप सबके प्यार के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो आपने मोहब्बत की मालाएं पे ना करम दोनों को अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा दिल निहायत शुक्रगुजार है कि खुदावंद की हजूरी, खुदा का मस्सा इस जगह पर ठहरा हुआ है और वो आज आप सबकी जिंदगियों को बरकत देने वाला है। आज आप बहुत ज्यादा बरकत पाने वाले हैं। आज खुदा का पाक रूह अपने कलाम की गहरी गहरी सच्चाइयां आप तक पहुंचाने वाला है और खुदावंद का रूह, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए, आपके ईमान का लेवल हमेशा हमेशा के लिए तब्दील करने वाला है। खुदावंद आपके ईमान को यहां से उठाकर यहां पर लाने वाला है। और मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, निशानात, मौजजात, बरकत, सलामती आपकी जिंदगियों में कसरत से जाहिर होगी, क्योंकि बाइबल फरमाती है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा यशायाह की किताब फरमाती है कि वो अब्दियत में रहता है, उसके आगे वक्त की कोई लिमिटेशन नहीं है, वक्त उसमें रहता है। और कलामे पाक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और क्या हूं, इंतहा हूं, मैंने शुरू किया और मैं ही खत्म करूंगा, मेरा हाथ काम करेगा, कौन मुझे रोकेगा। सो मेरे अजीजो, टाइम को, वक्त को सामने रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैंने आपसे कहा है खुदावंद आपको इसके मुताबिक ब्लेस करे, क्योंकि जब तक मैं बोलता नहीं मेरा ईमान रिलीज नहीं होता। जब मैं अपने ईमान को रिलीज करता हूं तो खुदा जलाली काम करता है। आपकी जिंदगियों से लांतें टूटने वाली है, आपके रुके हुए पैसे यीशु के नाम से वापस आने वाले हैं। मैं ईमान रखता हूं आपके जिस्म में रूह कुछ शिफा का काम करने वाला है। मैं ईमान रखता हूं आपके बंद जहन खुलने वाले हैं। और इब्लीस ने जो तारीकी का पर्दा आपकी अकलों पर डाला हुआ वो उठने वाला है। हालेलुया। सो मेरे अजीजो, हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती के अंजील उसके 16वें बाब की 16वीं आयत पढ़ेंगे, बल्कि मैं इसे 13वीं से पढ़ूंगा। मत्ती के अंजील उसके 16वें बाब की 13वीं आयत से, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमाउन पत्रस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु क्या कहता है इसके जवाब में, खुदावंद कहता है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है।
और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आर में अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर। इतनी बड़ी बरकत पतरस के पास कैसे आई? जब उसके जब खुदा ने उसको मुकाशवती तौर पर यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो मसीह है। मसीह का मतलब क्या है? मसा किया, अनॉइंटेड एंड हिज अनॉइंटिंग। मसा किया हुआ और उसका मसा। और मेरे अजीजों, जब हमें मसा की मसा का मुकाशफा मिल जाता है तो आसमान की बादशाही की कुंजियां भी हमें मिल जाती है। जब हमें मसा का मुकाशफा नहीं मिलता तो आसमान बंद रहता है, हमारी जिंदगियां इसी तरह गुजरती रहती है और हम दुखों मुसीबतों और बीमारियों में पड़े रहते हैं और सालों साल बीमारी हमें छोड़ती नहीं है, कर्जे हमारा पीछा नहीं छोड़ते, गुर्बते हमारा पीछा नहीं छोड़ती और नुकसान पे नुकसान और जुल्म पर जुल्म हम पर होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें मसा का पता नहीं है। यसायाह की किताब उसके 10वें बाब की 27वीं आयत में मेरे अजीजों लिखा है, उस वक्त ऐसा होगा कि उसका जुआ तेरी गर्दन पर से और उसका बोझ तेरे कांधों पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से बर्बाद किया जाएगा। मेरे अजीजों, जब हमें मसा का मुकाशफा मिल जाता है तो फिर हम हर वक्त मसा मानते हैं। हालेलुया, मसा मानते हैं। हम देखते हैं एमाल की किताब उसके 10वें बाब की 38वीं आयत में लिखा है, पतरस रसूल ने अपनी जुबान खोलकर कहा कि देखो खुदावा ने यीशु नासरी को किस तरह रूह कुदस और कुदरत से मसा किया। खुदा ने यीशु मसीह को किस तरह रूह कुदस से और कुदरत से मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे रिहाई देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। जब हमें मसा का मुकाशफा मिलता तो कुदरत हमारे साथ होती है, खुदा हमारे साथ होता है, लोग बरकत पाते हैं। मैं गोइटा में आने से पहले प्रे कर रहा था, खुदावंद हम जा रहे हैं, हमें मौका देना कि हम खुदावंद तेरी मनाती तेरी खुशखबरी कोयटा के लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ, कोयटा की कलीसिया के साथ शेयर करने वाले हूँ। सो खुदा ने हमारी दुआ को सुना और उसका जवाब दिया। सो मेरे अजीजो, अब मैं थोड़ा बयान करना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में मसा कैसे काम करता है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा था और सुनना मसीह के सुनना मसा के कलाम से। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं पैदाइश की किताब उसके 4वें बाब की 13वीं आयत पर थोड़ा गौर करना चाहेंगे हम। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा काइन पर लानत करता है और जब उसने अपने भाई का कत्ल किया हबल का, तो खुदा ने काइन पर क्या की? लानत की। और जब खुदा ने काइन पर लानत की और उसे कहा कि तू जमीन पर क्या होगा? आवारा होगा, जमीन तेरे लिए कुछ नहीं उगाएगी और तू खाना तेरा खाना खराब होगा जमीन पर, तू ब्रह्मन नहीं होगा, तुझ पर बरकत नहीं होगी, तो उसने क्या कहा खुदा से? अरे खुदावन, मेरी ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खुदा निकलने की राह पैदा करता है, खुदा उसके माथे पर निशान करता है।
कहता है तुझे कोई नहीं मारेगा, क्योंकि उसने कहा क्योंकि तूने मुझ पर लानत कर दी है, अब जो कोई भी मुझे देखेगा तो मुझे कर दे क्या करेगा, मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। और खुदा ने उस पर निशान किया, उसने कहा जो तुझे मारेगा उसकी सात पुश्तों से भी बदला लिया जाएगा, उससे सात गुना बदला लिया जाएगा। कितने गुना? 7 times उससे बदला लिया जाएगा। और खुदा ने जब उस पर निशान कर दिया तो उसने अपने आप को महफूज समझा। लेकिन यहां पर जो सजा के लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है खुदा का कलाम इब्रानी में, उसका मतलब एवान है, जिसका मतलब है कि ना सिर्फ गुनाह बल्कि उसकी सजा। यीशु मसीह ने अपने मसा के सबब से क्या किया, उसने ना सिर्फ हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए बल्कि हमारे गुनाहों की सजाएं भी ली। मेरे अजीजों, कलाम पाक में लिखा है यशाया की किताब उसके 53:6 में लिखा है, और हम सब अपनी अपनी राह को फिरे और खुदा ने हम सब की बदकिरदारी यीशु पर ला दी। यहां पर बदकिरदारी का मतलब भी वर्ड जो यहां पर भी इस्तेमाल हुआ एवान है, जिसका मतलब ये ना सिर्फ बदकिरदारी बल्कि उसकी सजाएं भी। तो यीशु मसीह जो खुदा का ममसू होकर जमीन पर आया, उसने ना सिर्फ हमारे गुनाहों को, हमारी बदकिरदारियों को, बल्कि उनकी सजाओं को भी अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम बरकत पा सके। आए हम थोड़ा देखें। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम पाक के वसीला से हम कुछ सीखने वाले हों। गलतियों का खत, उसके 3:10 ऐसे पढ़ूंगा, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत है, चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। सो यहां पर मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे गुनाहों को बल्कि उनकी सजाओं को, सजा नीज दूसरे लफ्जों में लानतों को भी, ना सिर्फ यीशु ने हमारे गुनाहों को बल्कि हमारी लानतों को भी यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और यशाया इसे बहुत अच्छे तरीके से बयान करता है, यशाया की किताब उसके 53:4 में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के बाइस गायल किया गया, हमारी ही बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर, सियासत के लिए इंग्लिश में वर्ड है पनिशमेंट, हमारी ही सलामती के लिए उस पर क्या हुई, सजा हुई, सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए, शिफा पाए। यीशु ने कहा, अब मसा कैसे हमें आजाद करता है, यीशु ने कहा जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि कौन रहता घर में, बेटा रहता है। और यीशु ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें मसा से वाकिफ हो
یہودی کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لے کر آئے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں, خداوند ہمارا خدا عہد کا خدا ہے. نئے عہد میں اس نے پرومس کیا, ہوا سے پرومس کیا کہ تیری نسل سے ایک ایسا پیدا ہوگا جو شیطان کے سر کو کچلے گا. آج لوگ بدروحوں سے ڈرتے ہیں, جادو ٹونوں سے ڈرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے اسرائیل پر افسون نہیں چلتا, اسرائیل پر افسون نہیں چلتا, اور نہ یعقوب کے خلاف کوئی فال گیر ہے. کوئی چیز نہیں فال گیری ہے, جو فور ٹیلنگ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں, جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ایکس وائی زیڈ ہاتھ دیکھ کر یعنی لوگوں کا دل کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل کے بارے میں بتانا چاہے گا بھی تو وہ بیکار جائیں گی باتیں, ناچیز ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. کیونکہ بلام لعنت کرنے کے لیے نکلا بنی اسرائیل قوم پر, تو اس نے چاروں بڑے بڑے پہاڑوں پر جا کر قربانیاں چڑھا دی اور لعنت کرنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے منہ سے برکت ہی برکت نکل گئی. پھر اس نے کہا خدا آدم صاحب نہیں کہ وہ جھوٹ بولے, نہ وہ انسان ہے کہ اپنا ارادہ, کیونکہ اس نے برکت کا وعدہ کر دیا ہے تو وہ برکت ہی دے گا. وہ لا تبدیل خدا ہے, اس نے اپنے مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی ہے, ہمیں برکت دی ہے, ہمیں شفا دی ہے, اس نے ہمیں غربتوں سے آزاد کیا ہے, اس نے ہمیں ظلم سے آزاد کیا ہے. صرف ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, جسٹ بلیو ان جیسس کرائسٹ, اور آپ دیکھیں گے خدا کس طرح آپ کی زندگی میں معجزے کر رہا ہے. میری لائف میں خدا نے, میری کلیسیا میں بھی, میری لائف میں بھی خدا نے بہت زیادہ معجزے کیے. تو میں پریش کرتا ہوں, جو بلیو کرتے ہیں ان کو شفائی ملنا شروع ہو جاتی ہے. گھر میں جاتے واپس آ کے کہتے پاسٹر کلام سن کر جیسے گھر میں میری دردیں گائی ہو گئی. ایک بہن تھی, اس کے دل کے ابراہٹ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی, اور چار پانچ بہنیں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پرے کر رہی ہیں, پرے اور بھی اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی. انہوں نے مجھے فون کیا, میں ایک گھنٹے میں پہنچا, وہ ایک گھنٹے سے پرے کر رہی تھی, کچھ ریسٹ نہیں, گھبراہٹ ہوتی جا رہی تھی اسے. اور جیسے ہی میں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ اس کے دل پر ہاتھ رکھیں اور پرے کریں, اور جیسے ہی انہوں نے پرے کی اور پیچھے میں نے بھی ہاتھ رکھا, جیسے ہی ہم نے بولا اسٹاپ, اسی میں گھبراہٹ جو نا رک گئی اور اس کا ہارٹ جو ہے نارمل کام کرنا شروع کیا. اسی وقت میں نے ان بہنوں کو بولا آپ بیٹھے, آپ اتنی دیر سے گہر زبانوں میں دعائیں کر رہی ہیں, پھر تھوڑی دیر میں آپ کہتی ہیں کہ خداوند کیا آپ یہاں موجود ہیں یا نہیں, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں مسیح کے بارے میں. آپ ہاتھ بڑھا رہی ہیں, دعا کر رہی ہیں, جب آپ کو مکاشفہ ہی نہیں ہے, آسمان کی بادشاہی کی کنجی ہی آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ کیسے لوگوں کو بلیس کر رہی ہیں؟ تھوڑی دیر کو اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی, میرے درد ہو رہا ہے, میرے درد ہو رہا ہے, پاس اب دعا کریں, دعا کریں, یقین کریں کہ میرا مسا کیا ہو تیل ہی. اس نے شیشی کو ایسے ہاتھ لگایا بوٹل کو تو اس کے دل کی درد رک گئی. اس کے یہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں جب ہمیں مل جاتی ہیں تو خدا برکت دیتا ہے. بائبل میں لکھا ہے جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو روح القدس آپ کے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے, پاکرو آپ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. جب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں, روح سے کیسے پیدا ہوتے ہیں, روح سے کیسے پیدا ہوتے ہیں, بپتسما لے کے پانی سے تو ہم پیدا ہو جاتے ہیں, روح سے کیسے پیدا ہوتے ہیں, روح سے, جب روح سے, جب خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے اور جو مکاشفات ہمیں ملتے ہیں, جب پاک روح مکاشفے خدا کے کلام کے ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ہم روح سے پیدا ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم زیادہ دیر دعا
دعائیں نہیں کرتے ہو کہ جو اس سچائی سے ہم واقف ہوتے ہیں اور ہم صرف ٹچ کرتے ہیں اور لوگ برکت پاتے ہیں. ہاللویہ. تو مسیح کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہمیں پرے کرنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے. افسیوں پہلے باب کی 17 آیت میں لکھا ہے, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح عطا فرمائے تاکہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اس کے بلائے جانے سے کیسی کچھ امید ہے, اور سب مقدسوں کے ساتھ مل کر اس کے میراث کے جلال کی دولت کو جو کیا ہی بے حد ہے جان سکو. پترس کی طرح مسیح کو پہچان سکو, پترس کی طرح آسمانی میراث کو جاننے والے ہو اور آسمان کی بادشاہ کی کنجیاں آپ کے پاس ہوں. کیونکہ دانیل کی کتاب میں لکھا اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. جب تک ہم مسیح کے بارے میں نہیں جانتے برکت سٹارٹ نہیں ہوتی ہماری لائف میں. ہمیں دعا کی ضرورت ہے. اور یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو جب اس کو مکاشفہ ملا تو چابیاں بھی اس کو مل گیا, آسمان کی بادشاہی کی اختیارات ملنا شروع ہو گئے اور وہ پرے کرنا شروع ہو گئے. میرے عزیزوں, کلام پاک میں بہت ساری باتیں ہیں برکت کے لیے. تین مختلف قسم کے الفاظ عبرانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں. جب ہمیں برکت ملتی ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے, جب ہمیں برکت ملتی ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کے اوپر خدا کی برکت ٹھہر جاتی ہے. بائبل میں لکھا ہے جتنے بھی مسیح یسوع میں ہیں وہ کیا ہیں؟ نئے مخلوق. وہ راست باز ہیں اور راست بازوں پر کوئی چیز لعنت نہیں کر سکتی, کیونکہ مسیح میں جو بھی ہے وہ راست باز ہے. وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے اور خدا کے بچوں پر کوئی شخص لعنت نہیں کر سکتا, کیونکہ متی کی انجیل اس کے 25 باب کی 43 آیت میں لکھا ہے, اور تب اس نے بکریوں سے کہا, اپنی بائیں طرف والوں سے کہا, اے بد کرداروں تم میری آنکھوں سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور اس جہنم میں جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آپ نے دیکھا کیوں پر لعنت کی؟ کیونکہ یسوع کہتا ہے جب میں بھوکا تھا, پیاسا تھا, ننگا تھا, پردیسی تھا, جب میں تمہارے پاس آیا تو تم نے میری کوئی خدمت نہ کی. جب ہم مسیح میں اپنے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں تو خدا کی برکت ہم پر ٹھہرتی ہے. اور جب ہم مسیح کے خادموں کی عزت نہیں کرتے, مسیح میں بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتے تو خدا کی برکت ہم پر نہیں ٹھہرتی. اس لیے تو یسوع نے کہا کہ معاف کرو, 7 بھی تیرا بھائی گناہ کر کے تیرا آئے اس کو کیا کرو؟ اس نے 7 معاف کیا. کتنی بار کروں؟ 7 کے 70 دفعہ. جو 70 دفعہ کہہ رہا ہے وہ کتنی دفعہ معاف کرتا ہوگا؟ ہاللویہ. مسیح چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت ہی برکت ٹھہرے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب ہم بات کرتے ہیں برکت کی تو خدا نے کلیئر الفاظوں میں پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب میں کہی. اب میں مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو مسیح کی تھوڑی پہچان اور مزید بتانا چاہتا ہوں. پیدائش کی کتاب اس میں 12 باب میں لکھا ہے, خدا نے ابراہیم سے کہا, میں تجھے برکت پر برکت, میں تیرا نام سرفراز کروں گا, میں تجھے سرفراز
देगा और जो तुझे बरकत देगा उसे उसे मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। यहां पर बरकत का मतलब है जो तुझे और तेरी नस्ल को बरकत देगा उसे मैं डबल बरकत दूंगा। और यहां बरकत के लिए एक पेलोटे की बरकत के लिए पेलोटा डबल बरकत का हकदार होता है, बाइबल में लिखा है। तो वहां पर यहां पर जो बरकत का मतलब है उस बरकत को भी, ये तीसरा जो अल्फाज है बरकत का लफ्ज जो है ये उस जगह पर भी इस्तेमाल हुआ, यही अल्फाज के पेलोटा डबल बरकत का हकदार है। तो इट मीन्स जब हम बड़ी इसराइल कौम को, अब्राहम की नस्ल को, ईमानदार बहन भाइयों को, मसीह यीशु में ईमानदार बहन भाइयों को जब हम बरकत देते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, डबल बरकत देता है। और जो हम पर लानत करता है खुदा उसके खिलाफ हो जाता है, खुदा उसकी जिंदगी में लानत करना शुरू कर देता है और इंतकाम लेना। खुदा कहता है मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा, मेरे काम को अपने हाथ में मत लो। जब हम, आपको पता है मसीह अब्राहम की नस्ल से है, हालेलुया, और अब जो मसीह यीशु में वो भी अब्राहम की तरह ईमानदार है और अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं, हालेलुया। मसीह में आ जाना, मसीह में छुप जाना, मसीह में शामिल हो जाना, बरकत में आ जाना है, फिर आसमान खुल जाता है हमारे लिए। हम दुआ करते हैं, आज अक्सर मैं ईमानदारों को देखता हूं ऐसे दुआ कर रहे होते हैं जैसे खुदा से भीख मांग रहे हैं। नो, यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो सब तुम्हें, लेकिन यूनानी में मांगने के लिए अल्फाज है जो कुछ तुम मेरे नाम से डिमांड करोगे। डिमांड में और मांगने में कितना फर्क है, डिमांड किस चीज की जाती है बताएं, जिसके आप मालिक है, जो चीज आपकी है, जिसके आप हकदार है, उस चीज की डिमांड की जाती है। जो कुछ तुम मेरे नाम से डिमांड करोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। हम शिफा भी रो रो के मांगते, रोते रहो यीशु, मैं दुआ कम करता हूं, मैं ज्यादातर वो तो यीशु के नाम से बीमारी दूर, लोग शिफा पाना शुरू हो जाते अगर वो ईमान रखते हैं। एक बहन थी, उसके ऊपर इब्लीस ने अटैक किया, उसका पेट यहां से इतना बाहर आ गया, बस मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरी अंगूठियां बाहर निकल रही है। आप सबर करें, आप लिए मैं दुआ करता हूं। मैंने बड़ी हलीमी से जवाब दिया उसे। बराबर में एक भाई था, उसके गुर्दों में दर्द हो रही थी, उसके ऊपर हाथ रखा मैंने, खुदावंद अपने यीशु नाम से इसी वक्त मुआवजा कर, बीमारी दर्द निकलवा यीशु के नाम में। वो कहता मैं ठीक हो गया, ग्लोरी टू गॉड। उस बहन की तरफ मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा बीमारी को ऐसा गो, वो वापिस अंदर जाना शुरू कर, पेट उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया, हालेलुया। एक बेटा था, उसके यूरिन वाली जगह इतनी सूजी हुई थी, उसको मैंने तेल से मसाज किया और उसकी वालदा के साथ मैं बैठ के चाय का कप पी रहा हूं तो वो स्वेलिंग ऐसे ऊपर जाना शुरू हो गई, हालेलुया। मेरे खानदान में मेरा जो भतीजा है, मेरे छोटे भाई का बेटा, उसको फिट्स के दौरे पड़ते थे, फिट्स की बीमारी थी और उसके किसी वक्त भी दौरे पड़ते थे, मुंह से झाग आती थी, हाथ पांव उल्टे हो जाते, टेढ़े हो जाते थे, ऐसे मुड़ जाते थे, परेशान होता था और सारे घर वाले रोना शुरू हो। मेरा भाई फर्स्ट टाइम लाइफ में रोया, मैंने रो मत, ले क्या हो सकता, ऐसा हाल रखा मैंने, फिट्स गो इन जीसस नेम, सेट हो गया उसी वक्त, हालेलुया, खुदा ने उसी वक्त। और उसकी वाइफ ने मेरे पास एक भाई, मैं क्या करूं मजीद इसके लिए, मैं तो परेशान हूं, रात को आज के बाद से दौरे नहीं पड़ेंगे, आपसे इतना करना सलीब का निशान इसके माथे पे लगाना क्योंकि इसकी बीमारी कैंसर हो चुकी है, लानत टूट चुकी है, बरकत जारी हो गई है क्योंकि मसीह हम में जलाल की
की उम्मीद मसीह हम में रहता है, और जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में, क्योंकि बदनुमा तो डरते थे मसीह दे लेते गैर जमाना बोलने वाले भी काफी लोगों में देखा कि डरते भाई जी दुआ करो, मैं तुम गैर जमाना बोल दो रू ना मामो बोलो बदनुमा को डरते पे हो, बदनुमा तो हड़ तो डरती है, मेरे चक्कर मुझे समझ नहीं आता। मसला ये ईमान एक्टिवेट करे। बाइबल में कहा खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता, फरिश्ता मेरे चारों तरफ खैमा जमा और मैं डर रहा हूं। नौ 15 साल से मेरे बच्चे जब से पैदा हुए आज तक कभी नहीं डरे, सकून की नींद। और मैं बाहर बड़े बड़े केस लड़कर आता हूँ, बड़ी बड़ी बदरूमों को निकाल के आते हैं, जादू टूने वाली चीजों का ऐसे हाथों में उठा के मैं ऐसे जेब में रख लेता हूँ, ऐसे ताबीजों को पकड़। मैं अभी किसी काम का नहीं ले जाओ उसे, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ये पसम हो गया है। ग्लोरी टू गॉड। और बदरूमें लोगों में से निकलती हैं, लोगों की जोड़ ज्वाइंट सेट होना शुरू हो जाते हैं सिर्फ ईमान रखने से। जस्ट बिलीव, सिर्फ ईमान रखे यीशु पर, खुदा मुझसे करेगा। और हमारे अंदर पाकरू हो, यीशु मसीह का इख्तियार हो, फिर भी हम परेशान हो, मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं ये समझता हूं कि मुकाश पानी मिला मसीह के बारे में, हमें जानते नहीं है। हमें मसीह ने इख्तियार दिया, यीशु ने 70 शागिर्दों को भेजा खिदमत में, उन 70 ने आकर क्या गवाही दी यीशु को, क्या खुदावन तेरे नाम से हमने बीमारों को तेल मल कर उनके लिए दुआ की और बीमार ठीक हो गए, और तेरे नाम से बदरुए भी हमारे तापे हैं, बड़ा बड़ा नारा मारे। हालेलुया। यीशु ने कहा इस बात से खुश ना हो कि बदरुए तुम्हारे तापे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में, जिंदगी की किताब में मैंने तुम्हारे नाम रजिस्टर कर दिए। You are a legal son of God. Therefore, fear not. Believe on me. खुदा के फरिश्ते आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, खुदा के फरिश्ते आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। खाने पीने और पहनने की तलाश ना करो चीजों की, फरिश्ते इन चीजों को मुहैया करने के लिए मुकर्रर खुदा ने कर दिए हैं। हालेलुया। हम जब ईमान रखते हैं मसीह पर तो मसीह के इख्तियार हमारे अंदर जाहिर होना शुरू हो जाता है। एक शख्स, मैं ऐसे नॉर्मली बैठा खाना खा रहा था, एक बैंक कमरे में आई, भाई वसीम भाई को गवाही सुना रहा था, उसके गले में ऐसे बहुत फूला हुआ था, थायराइड की बीमारी थी उसे। और खाना खाते खाते मैंने खाना छोड़ देने वाला है, जैसे अंदर आई यीशु मसीह के नाम से गो, और भाग के बाहर है तो पादरी दे दड़के बड़े दिनता है। दोबारा अंदर आई गायब। हालेलुया। फिर उसके अंदर बदरू आ गई, खौफ की बदरू आ गई, और फैमिली कहने लगी पास्टर साहब आपको कैसे पता चल गया इसके अंदर खौफ की बदरू है, मेरे ऊपर खुदा की हजूरी और मसा ऐसे रूल कुछ का ठहरा हुआ है, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, पीछे पीछे रिसलाइन हो रही है। और मेरे अजीजों, मैंने उस पर हाथ भी नहीं रखा, मैंने ऐसे हाथ ऐसे किया, मैंने बदरू से कहा निकल बाहर। उसी वक्त बहन गिर गई जमीन पर, और वो उसी वक्त रिहाई पा गई खौफ से भी। लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जब आपको मसीह का मुकाशफा मिलता है, मैं आपको थोड़ा ख्वाबों के बारे में भी थोड़ा बताऊँ। लोग डरे होते हैं, ख्वाब आते हैं, कुछ लोगों को अपनी बहनें अक्सर मुझे कहती हैं कि भाई हमें बदरुएं नजर आती है, वो हमारी प्रेगनेंसी के दौरान ही हमें रोने रोने ख्वाब आते हैं, बदरुएं हमारे बच्चे छीन कर जा रही हैं, और रात को हमारे साथ अजीब सिचुएशन होती है। और अक्सर भाई हमें कहते हैं कि हमारा कारोबार बर्बाद होता है, हमें नजर आता है, हमारे ऊपर बंदिश है, ये है एक्स वाई ज़ेड, ये सब माइंड की गेम है। जंग यहाँ पर हो रही है। जब आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी हार को, तो शैतान पता पाना शुरू कर देता है।
جب آپ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ میں ہار قبول نہیں کرتا, میں جنگ لڑوں گا, میں یسوع کے نام سے شیطان تیرا مقابلہ کروں گا, میں آئے نیور گیو اپ. جب آپ مسلسل مسیح یسوع کے نام سے ابلیس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے کو لوگوں کو خدا مند اتنے خواب آتے ہیں, مجھے کیوں نہیں کوئی خواب آتا. میں کبھی نہیں ڈرا. ایک دن میں نے دیکھا کہ خواب میں سو گیا تو میں خواب میں دیکھ لوں آدھی رات کو میں کسی بدرو کو مارتا جا رہا ہوں, مار دوں وہ مر نہیں رہی, میں اس کو تلواریں مار رہا ہوں مر نہیں رہی. تو میں ایک دم گھبرا کے اٹھ گیا تو میرے ذہن میں فوراً پاکر نے بات ڈالی اور میں نے اس پر عمل کیا. میں نے کہا شیطان تیرے تصورات اور خیالات کو میں یسوع مسیح کے نام سے قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتا ہوں. اسی وقت ذہن آزاد ہو گیا, میں دوبارہ سو گیا, صبح اٹھا, خدا کا شکر کیا. اکثر لوگوں کے جو خواب ہیں ان کا حل دوسرا کرنتھیوں 10 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے, چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے مسیح کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے کھڑی ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں. سو میرے عزیزوں, اتنا ہمارے خیالات پر بھی شیطان ہمارے ذہن میں خیالات پھینکتا ہے, خواب ہمارے زندگی میں پھینکتا ہے. ہمیں پاور ہے, ہمارے پاس پاور ہے, ہم پاور استعمال نہیں کرتے. آسمان کی بادشاہ کی چابی ہے, ہمارا ذہن آزاد ہونا چاہیے, ہمارا ذہن مفلوج نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ آزاد. جب ہمارا ذہن آزاد نہیں ہوتا تو میرے عزیزوں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہمارا ذہن آزاد نہیں ہوتا. ہمارا ذہن آزاد ہونا چاہیے, پورا امن ہونا چاہیے, پورا سکون ہونا چاہیے تاکہ ہم ایمان کام کریں. سو میرے عزیزوں, یہاں پر آج کے جو کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں پترس کی طرح مسیح کا مکاشفہ ملنے کی, حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. خدا کے دعا کریں افسیوں پہلے باب کی 17 آیت کے مطابق, اے خدا مجھے اپنی پہچان میں اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح عطا فرما. پھر خداوند جب آپ کو سچائیاں بتائے گا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب آپ سچائیاں پاکرو جب آپ پر ظاہر کرے گا اور آپ سچائیاں بولنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی بیماریاں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی. سچائی آپ کو آزاد کرے گی. میں 2-3 گواہیاں سنا کے چھوٹی چھوٹی میں اپنی جگہ لوں گا. میرے کڈنی میں پین ہو رہی تھی اور میں مل میں کام کر رہا تھا تو میرے عزیزوں 18 گھنٹے دعا کرتا تھا اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کے دوران بھی دعا میں مصروف رہتا تھا, ڈیوٹی بھی کرتا تھا اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ہی گھر میں بھی جا کے کمرے میں جا کے پرے کرتا رہتا تھا. اور تقریباً 6 تک فرشتے ہیلیلویا کا کورس میرے ساتھ مل کر گاتے رہے اور میں دعا کرتا رہا ہیلیلویا. اور میرے کڈنی میں پین اٹھی اور میں تھک گیا اور درد اتنی تھی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں زمین پہ ایسے کمرے میں جا کے لیٹ گیا تو پاکرو نے کہا یسوع کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. اور میں نے کہا میں نے شفا پائی تو میں لیٹا کیوں, اور اٹھا میں کام پر جاؤں گا. میں دوبارہ اٹھا, قدم اٹھایا تو درد ویسی شدید درد. میں نے کہا خداوند تو نے کہا ہے اور تو لا تبدیل خدا ہے, اب درد بڑھے یا گھٹے میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پر واپس. جیسے سے میں نے یہ کہہ کر قدم اٹھایا درد کم ہونا شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ معمولی سی درد رہ گئی. اور رات کو جب میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو میرے ساتھ ایک شخص تھا, اس کو بلڈ والے پیچس لگے ہوئے تھے, موشن لگے ہوئے تھے اور وہ نہایت ویک ہو گیا تھا. اور پاپرو نے مجھے کہا اب
इसके लिए भी दुआ कर और अपने लिए भी दुआ कर। ये दर्द मैंने थोड़ी सी इसलिए छोड़ी थी ताकि इस शख्स के लिए तू दुआ करे। और मैंने जब उसके लिए दुआ की सुबह वो भी ठीक हो गया और मैं भी ठीक हो गया। आज तक कभी दर्द वापस नहीं आई। शैतान अक्सर कहता है दर्द वापस आएगी। मैं कहता हूं बाइबल फरमाती है अजाब दोबारा नाजिल ना होगा। हालेलुया, ये बाइबल ने टीच की ये सच्चाई। तो मेरे असीजो मसीह के कलाम को अपने दिलों की कसरत से बसने दो। खुदा हमारा खुदा ऐद का खुदा है, वो ला तब्दील खुदा है। वो किसी को भी हम पर लानत नहीं करने देगा, वो किसी को भी हम पर लानत नहीं करने देगा। यशायाह की किताब 54:17 में लिखा है जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम में ना आएगा और हर जुबान जो तेरे खिलाफ अदालत में चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा क्योंकि ये मेरे बंदों की मीरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। कोई चीज आप पर लानत नहीं कर सकती जब आप मसीह को कबूल कर लेते, बिलीव करें, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। सो खुदावंद आप सबको अपने कलाम पाक के वसीला से खूब बरकत दे। मैं चाहूंगा कि एक लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी दुआ करेंगे।